अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहेंगे। PSL के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया उसके हवाले से प्रोग्राम की इब्तिदा में थोड़ी सी बात हो जाए और उसके बाद जो आज मैच खेला जाएगा उसके हवाले से हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो कल मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान, बड़ा एक्साइटिंग मैच क्रिकेट शायकीन को देखने को मिला। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 205 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे, और ये एक अच्छा टोटल समझा जा रहा था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तारीफ़ करनी होगी और गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तफसील से इस हवाले से मौजू पर गुफ्तगू हुई है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है इस टूर्नामेंट में ये बहुत ही ख़तरनाक अब तक साबित हो रही है। और इसके अलावा जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो काबिल तारीफ़ है कि तमाम ही बैट्समैन जितने भी हमें नज़र आए, चाहे वो आसिफ अली हों, चाहे फहीम अशरफ हों, या शादाब खुद हों, या दीगर जितने भी खिलाड़ी हों, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह टीम को जो है वो अपलिफ्ट किया जाए, और उसमें वो कामयाब भी हुए। मैच का स्कोर थोड़ा सा आपके सामने रखूँगा, उसके बाद फिर आगे चल के गुफ्तगू होगी। शान मसूद मुल्तान सुल्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन थे उन्होंने 50 गेंदों पर 75 रन किए। टिम डेविड अभी उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, 27 गेंदों पर 60 रन की शानदार इनिंग उन्होंने खेली। मोहम्मद रिजवान कप्तान 18 गेंदों पर 33 रन उन्होंने बनाए। शादाब खान ने 4 ओवर में 26 रन देके 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर में 48 रन दिए 2 विकेटें हासिल की, और फहीम अशरफ ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से फहीम अशरफ सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे, 26 गेंदों पर 51 रन उन्होंने नॉट आउट स्कोर किए। शादाब खान दूसरे नंबर पर 25 गेंदों पर 44 रन उन्होंने बनाए। कॉलिन मनरो ने 21 गेंदों पर 40 रन स्कोर किया। अनवर अली 4 ओवर 33 रन देके 3 विकेटें लेके सरे फहरिस्त रहे बॉलर्स में। मुल्तान सुल्तान की जानिब से एहसानुल्ला जो इस शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, 4 ओवर्स में 35 रन देके 2 विकेटें लीं, और उसामा मीर ने 4 ओवर में 38 रन देके 2 विकेटें लीं। बड़ा कांटे का मुकाबला रहा और आखिर में ये मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा, और इसमें तारीफ़ करनी होगी फहीम अशरफ की जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है। 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट भी हासिल की, और 26 गेंदों पर 51 रन की शानदार इनिंग उन्होंने खेली। तो ये मैच आखिरी लम्हात में जिस तरह से चेंज हुआ है उससे बहुत आप समझ लीजिए कि एक्साइटिंग मोमेंट था जब इस मैच को फिनिश किया गया और एक बॉल बाकी थी, 19.5 गेंदों पर यह स्कोर जो है वो पूरा कर लिया गया। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और इसके साथ साथ जो सवालात हम तक पहुँच रहे हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करनी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ पर मौजूद हैं, वकार हुसैन साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से। बहुत शुक्रिया वकार भाई प्रोग्राम में बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया वकार भाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड गुज़िश्ता रोज़ बात हो रही थी और खादिम ने यहीं पर इस प्रोग्राम में ये कहा था कि ये वो वाहिद टीम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ना सिर्फ स्पार्क है बल्कि मैच को किसी भी वक्त जो है वो तब्दील करने की पूरी सलाहियत मौजूद है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस वक्त तमाम टीमों में सबसे ज़्यादा बेहतर और बैलेंस नज़र आ रहा है। बिल्कुल मुजाहरा कल उन्होंने किया भी, फरमाइए आपने कैसा देखा कल का मैच? मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ और मेरी इस टूर्नामेंट PSL की फेवरेट टीम भी इस्लामाबाद है, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। बाकी तो 2020 में एक ओवर दिया, जैसे कल आपने देखा कि लास्ट ओवर में कोई चांस नहीं था, 19 रन बनाकर उन्होंने फहीम अशरफ ने मैच जिता दिया। बहरहाल ये तो आजकल क्रिकेट एक ज़माने में तो सुनते थे जब मियां दाद ने एक छक्का मारा था तो कि बड़ा एक अजीब सी बात है, उसके बाद तो इतने सारे छक्के आखिरी बॉल पर और सब कुछ लग गए कि मैच की वो बात ही नहीं रही। तो इस्लामाबाद आप एक सबसे बड़ी चीज़ देखें कि मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि वैसे तो सारी कप्तानी, लेकिन शादाब जितनी कूल और जितनी अच्छी कप्तानी इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे उनकी कप्तानी बहुत पसंद है, और वो किसी भी टाइम जो है उनकी टीम गिरती नहीं है चाहे, और उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ माशाल्लाह बहुत बड़ी है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चेज़ भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी उनकी ठीक है, लेकिन 205 रन चेज़ करना एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच जीता है कल। बिल्कुल सही है, टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच था, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि 200 रन का हदफ चेस करना और फिर कमाल है कि इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग। अगर आप देखें कि आज़म खान जो कि पिछले मैचों में बड़ी शानदार कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, कल के मैच में क्लिक नहीं कर सके, लेकिन आखिर में उनके पास खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने फिनिश किया। और फहीम अशरफ वो इससे पहले बड़ा भरपूर साथ देते आए, लेकिन कल तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ घुमा दिया। फहीम अशरफ की जहाँ तक बात करते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का इस वक्त वाहिद ऑलराउंडर है जिसको आप अब्दुल रज़ाक
या अजहर महमूद के साथ मिला सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये मैच विनर बॉलिंग भी ठीक कर लेते हैं, मैच विनर बैट्समैन भी हैं, और जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से खेलते हैं। बिल्कुल अब ठीक लास्ट है। टाइम इनको क्यों ड्रॉप किया गया मुझे नहीं पता, खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो मकसद है कि पूरे कंप्लीट क्रिकेटर हैं अपनी इसमें एरिना में, 2020 की क्रिकेट में, और ख़ासकर टेस्ट में भी, तो अभी बात नहीं हो रही जी लेकिन जी टेस्ट में भी उन्होंने परफॉर्म किया है। बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी शानदार रही है, और मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से और हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं। और ख़ास तौर पे इम्प्रोवाइजेशन की बात हो रही थी, वो आखिर के जो दो शॉट्स हैं तो सोशल मीडिया पे उसका बड़ा चर्चा है, और इस तरह इस सिचुएशन में इतना रिस्की शॉट खेलना कि महसूस ये हो रहा था कि पहली गेंद के ऊपर शायद वो बोल्ड हो गए, लेकिन वो बाउंड्री लगने के बाद जो दूसरा उन्होंने शॉट ऑफर किया वो बड़ा ही कमाल था। उस पर सोशल मीडिया को अभी मैं देख रहा था सारे ही उस हवाले से बात कर रहे हैं, यानी कि मॉडर्न क्रिकेट में इस तरह की अगर इम्प्रोवाइजेशन करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर फरमाइए। आप उस शॉट शॉट को चेक करें तो बेसिकली वो मारने गए थे, वो पैडल शॉट जो जी होता जी है, जी जी वो लेकिन स्लॉग स्वीप जैसे वो वो होता बॉल है। थोड़ी सी, और अगर आप देखें वो बॉल छूट जाए तो वो वाइड बॉल था, वो जी बिल्कुल अच्छा वो उन्होंने मारा, लेकिन वो इतना अच्छा उनके बल्ले पे एज होकर गया कि वो पूरा छक्का ही हो गया, और उससे फिर पूरा मैच ही तकरीबन चेंज हो गया। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। वो मैं समझता हूँ कि कल के मैच जीतने में इस्लामाबाद से फहीम अशरफ का तो हाथ था, लेकिन गुड लक भी थी उनकी कि उन्होंने वो मैच जीत गया, वरना कोई लग नहीं रहा था कि वो मैच जीतेंगे आखिरी ओवर तक। बिल्कुल ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है इस तरह की मैचेस खास तौर पे जीत लेना, और मुल्तान सुल्तान एक अच्छी टीम जो है वो इस PSL 8 के अंदर भी रही है इससे पिछले सीज़न में भी, और बहुत अच्छा बैलेंस कॉम्बिनेशन है, यानी कि टिम डेविड के आने के बाद जिस तरह उसने अपना कमबैक किया इस सीज़न में तो आउटस्टैंडिंग इनिंग मेरे ख्याल में इसकी थी। नहीं, टिम डेविड की बात क्या करते हैं, मैंने तो इनका पूरा बिग बैश की जी, वहाँ पे टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया देखा, के अंदर और सबसे बड़ी खूबी की बात है इस पूरे टूर्नामेंट में दो प्लेयर मुझे बहुत पसंद है, वो इसके वीज़ा लाहौर के जी, दो डेविड वीज़ा, वीजा। और ये इसका नाम क्या नाम है डेविड, ये आप देखें जब भी शॉट मारते हैं इनका शॉट का कोई चांस नहीं है कि ये अंदर रहने का अंदर चांस रहने है, के। इतना परफेक्ट मकसद इन्होंने अपने आप को किया हुआ है। तो मुझे तो वैसे ही दोनों प्लेयर बहुत पसंद हैं, और कल उन्होंने प्रूव भी किया, शायद 26 बॉलों पे 60 रन या 25 बॉलों पे 60 रन किए, उन्होंने जी बहुत अच्छा खेले, और जिसकी वजह से इतने रन भी बन पाए, बिल्कुल और ठीक है। एक ओवर में नुमान रईस के जो उन्होंने 30 या 31 रन लिए हैं जी जी उससे जी बड़ा फर्क पड़ गया, वरना शायद इतने रन नहीं होते। रन्स नहीं होते, बिल्कुल आपने सही कहा कि बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी वो हमें नज़र आई है। बॉलर दूसरी तरफ हमें मुल्तान सुल्तान के अंदर एहसान उल्ला और ये उसामा मीर वगैरह, एक इनके हवाले से बात हो रही थी कि एक सपोर्ट बॉलर और होना चाहिए था। टिम डेविड की इंडक्शन के हवाले से जो है वो लोग ये सवाल कर रहे थे कि बैटिंग तो ऑलरेडी स्ट्रांग थी, डेविड मिलर थे, दीगर बैट्समैन भी हैं, राइल रूजोव इसके अंदर हैं, रिजवान खुद हैं, शान मसूद हैं, तो बॉलर का एक इजाफा होता तो शायद वो कंटेन कर सकते थे या रन्स को बचा सकते थे। वो ये भी एक शायद वजह बनी है कि एक और एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते तो शायद नहीं देखें, मेरा ख्याल है इसी बॉलिंग से मुल्तान सुल्तान जीतती जीती हार आई गए, है। तो ये तो अब हारने के बाद बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रिजवान अगर एक चीज़ कर ले कि एहसान के आखिरी ओवर में बचा कर रखें, आखिर लास्ट 2 ओवर्स के अंदर उनसे गेंद कराई जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि दूसरी टीम के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा और इनकी टीम के लिए फ़ायदा होगा, फायदेमंद होगा। क्योंकि नो डाउट उसने बड़ी अच्छी गेंद करी अपने जिसने लास्ट ओवर में रन 19 रन दिए, लेकिन अगर शायद एहसान होते तो ये बात नहीं होती, लेकिन क्रिकेट है इसमें सब कुछ हो सकता है, 19 रन बनना एक नामुमकिन सी बात होती है, लेकिन बना गए वो। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लास्ट में जो मोमेंट चेंज हुआ एकदम से, जी और ये एक वजह थी कि बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी हम देख रहे थे कि इसके ऊपर क्वेश्चन हुआ, लेकिन दीगर बॉलर जो है उसामा मीर वगैरह और अगर अब्बास आफरीदी होगा और दीगर खिलाड़ी थे, अच्छी बॉलिंग उन्होंने ऑल इन ऑल की है, लेकिन ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक अब रहा। सर मुझे इनकी बेंच का आइडिया शायद अभी नहीं है कि इनकी बेंच में कोई और बॉलर बैठा है तो कौन है हाँ, वो, ये अगर मुझे पता मोहम्मद इलियास को उन्होंने जो है वो शामिल किया था जो कि काफ़ी जी, एक्सपेंसिव बड़ा रहे हैं। तीन एक्सपेंसिव है अशारिया पाँच ओवर में उन्होंने तकरीबन 54 रन चौवन जी, दिए हैं, एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा एग्जैक्टली जो रन उन्होंने कंसीव किए हैं। चलिए गुफ्तगू जारी रखते हैं जनाब, एक और हमारे एक्सपर्ट लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मुनीरुल हक साहब हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और टेलीफोन लाइन के जरिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको मैं खुशामदीद कहूंगा। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर, और वकार साहब को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मुनीर भाई, कल के मैच के हवाले से तबसरा हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, और ख़ास तौर पे इसमें तारीफ करना होगी कि जिस तरह की फिनिश हुई है और फहीम अशरफ ने जिस तरह की ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है,
मैं चाहूंगा जरा पहले आप इसके हवाले से अपने तासुरात हमें बताइए, क्या है मैच, आपने कैसे देखा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से आप और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बड़ा स्पार्क इस टीम के अंदर है और बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन इनका बन चुका है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, फहीम अशरफ के हवाले से लगातार दूसरा मैच उन्होंने फिनिश करके दिया है और कल तो बहुत ही लाजवाब इनिंग्स खेली है, बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आए। हालांकि फहीम अशरफ इतने अरसे पाकिस्तानी टीम के साथ थे, लेकिन अब उनको पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट करना भी छोड़ दिया गया था, तो अब वो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दिखा रहे हैं कि दोबारा उनका कमबैक हो सके। जी, जी। असल में कल जो इस्लामाबाद ने टोटल को जब उनके अर्ली आउट हो गए तो जो उनकी मनरो और शादाब की जो वो थी पार्टनरशिप, उसने खासा उसको दवाम बख्शा, तकवीत बख्शी, और बाद में फिर बड़ी जबरदस्त फहीम अशरफ ने, स्पेशली जो मोहम्मद इलियास का आखिरी ओवर था, आखिरी ओवर में 18 रन कभी भी कम नहीं होते, बहुत प्रेशर में होती है दोनों बॉलर और बैटर, लेकिन जिस तरह का यूनिक छक्का उन्होंने दूसरे गेंद पे लगाया, अभी तक वो लोग ढूंढ रहे हैं कि वो शॉट का क्या नाम दे, बहुत ही यूनिक किस्म का था। फिर जो चौका उन्होंने लगाया बाद में, वो भी बॉलर्स बैक ड्राइव, बड़ा जबरदस्त था। तो कल फहीम अशरफ का दिन था, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की, और जो मैच को फिनिश करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने कराची को भी एक मौके पर ऐसा देखा था, 4 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी लेकिन वो टीम हार गई थी, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ एक गेंद पहले ही कर लिया, मोहम्मद इलियास थोड़े प्रेशर में नजर आ रहे थे और बॉलर और बैट्समैन की जो जंग थी वो बाद में बैटर के फतह पर इख्तिताम को पहुंची। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी बॉलिंग ऑप्शंस के हवाले से बात हो रही है, गो के एहसानुल्लाह बड़े शानदार बॉलर हैं और अभी रिजवान की कैप्टनसी के हवाले से थोड़ी सी बात हुई है, बॉलर्स को सही तरह से यूज करना आप समझते हैं कि जरूरी है, या फिर ये जिस तरह के शॉट्स खेले गए हैं और मैच ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुआ, जबकि कहा ये जा रहा था, जब कमेंटेटर्स में सुन रहा था ये बात कर रहे थे कि बॉलिंग उन्होंने सही की, इतनी खराब बॉलिंग नहीं की, लेकिन जब इस तरह की शॉट्स बैट्समैन अगर ऑफर करेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चाहे कोई भी बॉलर हो, तो क्या समझते हैं कि क्या बॉलर की एक कमी थी या इलियास को आप समझते हैं कि अच्छी बॉल कराने के बावजूद नाकाम हुए, ये वजह बनाए उनकी शिकस्त की, क्या कमी क्या नजर आई है मुल्तान सुल्तान? एक बात अभी मैं सुन रहा था, वकार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि एहसानुल्लाह को आखिरी ओवर तक रखना चाहिए था, ये जो अगर इलियास की जगह एहसानुल्लाह को ओवर होता तो मे बी के 18 रन डिफेंड करने में कामयाब हो जाती है मुल्तान की टीम, एक तो ये इशू। दूसरे ये कि जितनी अच्छी बॉलिंग लाहौर की है, जितनी अच्छी बॉलिंग इस्लामाबाद की है, उतनी अच्छी बॉलिंग है नहीं, हालांकि अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह दोनों टॉप थ्री में, एहसानुल्लाह की अगर 18 विकेट हो गई हो तो टॉप पे हैं, फिर शाहीन आफरीदी और फिर अब्बास आफरीदी, तो ऐसा नहीं है। उसामा मीर ने भी कल बड़ी अच्छी 2 विकेट ली और सबसे मेन जो उनके आजकल फॉर्म में आजम खान, उनको भी आउट किया, वो चीज नहीं, लेकिन फिर भी शायद बॉलिंग में कहीं ना कहीं मुल्तान की वो कमी नजर आ रही है हमें, कि जो शायद इनकी शिकस्त की वजह बन रही है। देखिए, 3 लगातार मैचेस का हार जाना, वो टीम जो लगातार मैचेस जीत रही थी, मुल्तान को हम टॉप पोजीशन पर देख रहे थे, जी जी। हम समझ रहे टेबल पर टॉप करेंगे, लेकिन अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर में जिस तरह टॉप 2 पोजीशन पर हो गई है, तो अब भी ऐसा लगता है कि जो टॉप 2 पोजीशन की जंग है उसके लिए मुल्तान को बहुत जान हारनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा। आज पिशावर क्वेटा का मैच है, अगर पिशावर जीत जाती है तो और फिर मुश्किल हो जाएगी मुल्तान के लिए, तो मुल्तान के लिए आगे इतने अच्छे हालात नहीं है। रिजवान की कैप्टनसी में चीजें नजर तो आती हैं, जब टीम हार जाती है थोड़ी सी चीजें नजर आती हैं, यही मैच अगर जीत ले तो शायद इतना नहीं होता, लेकिन इनके थिंक टैंक को बहुत मतलब सीरियस होकर अब सोचना होगा कि लगातार 3 शिकस्त हो गई हैं, अब आप टॉप से और आप 4थे नंबर पर आ रहे हैं तो भाई ये क्या इशू है, इसको देखना है। लेकिन 206 स्कोर कम नहीं होता, टीम टेबल की बात की अभी आप लोगों ने, क्या धुआंधार इनिंग्स खेली, 27 गेंदों पर 60 रन बनाए उन्होंने, 200 प्लस के टारगेट कभी भी चेस करना, और उसमें जब आपके वो अर्ली विकेट भी मिल जाए, लेकिन कल जो है वो मनरो अच्छा खेले, शादाब बहुत अच्छा खेले, और फिर फहीम अशरफ ने आखिर में सारी कसर पूरी कर दी। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो कसर जो थी आखिर में बिल्कुल पूरी कर दी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये कि वकार भाई, जैसा भी मुनीर साहब ने तस्करा किया कि अब मैनेजमेंट को बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये वो टीम थी जो एक लम्हे पे महसूस ही होता था कि सबसे ऊपर ये होंगे, फिर ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा एक शिकस्त का सिलसिला शुरू हुआ और कहीं पे बैटिंग कोलैप्स कर रही है, कहीं बॉलर, जबकि अच्छे बॉलर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेकिन चीज़ काम नहीं कर रही,
क्या समझते हैं किस चीज़ की अब ज़रूरत है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी कि 2020 क्रिकेट होती है, ये एक ओवर की होती है। बिल्कुल ठीक है। एक ओवर में अगर किसी के दो खिलाड़ी आउट हो जाए तो मैच उधर चला जाता है, और इसी में एक ओवर में 30 रन 20 रन 12 रन 18 रन बन जाए तो मैच वहाँ चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये दिन होता है कल का, मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान की बैड लक थी कि वो मैच हार गए। किस्मत का ज़्यादा अमल दखल था। किस्मत इसलिए कि जब उन्होंने शादाब के आउट होने के बाद तो एवरेज भी बढ़ गया था, रन भी मुश्किल नज़र आ रहे थे, फिर वो जो इनफॉर्म बैट्समैन है आज़म खान उनके आउट होने के बाद तो बिल्कुल मकसद ये कि, लेकिन फहीम अशरफ ने जो अपना टेम्परामेंट दिखाया है और जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग करी है ये बहुत कम आपको नज़र आती है देखने में, उसको जितना भी आप अप्रिशिएट करें वो कम है। कम है बिल्कुल, ये बात क्योंकि उन्होंने इतना, और कहीं से नहीं लग रहा था चेहरे से उनके घबराहट, आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और वो लग रहा है कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो यार ये रन में कहाँ फंस गया क्या ना, उन्होंने और बड़े अच्छे उमदा शॉट मारे। एक ही शॉट जो जिसको मुनीर भाई ने कहा कि मैं उसको क्या नाम दें, सब वो शॉट एक स्पेशल हुआ है, बाकी तो उन्होंने बड़े अच्छे शॉट मारे। बिल्कुल ठीक है। शॉट तो वो भी बड़ा शानदार था और बड़ा टाइम पे उन्होंने खेला, और ये भी उन्होंने मैसेज दिया कि ये मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है और इस तरह के शॉट्स ऑफर करने पड़ते हैं, जो कि हम दीगर बैट्समैन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी करें। अच्छा, दूसरी तरफ जरा मैं चाहूंगा आप पहले जरा शान मसूद के बारे में बता दीजिए। मैं देखें, शान मसूद ने कल जो इनिंग खेली, हालांकि उनकी फॉर्म शुरू में इतनी अच्छी नहीं थी जब वो मुल्तान अपने शहर में खेल रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 38 रन लास्ट मैच में किए फिर इसमें, और कल तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, तो उसको अब उनका फॉर्म में आना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ओपनर पार्टनरशिप अगर अच्छी हो जाए और कोई 8 या 8.5 रन से अगर शुरू में खेल लिया जाए तो बड़ा अच्छा होता है, फिर बाद में बैटिंग तो उनकी इतनी बड़ी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और ठीक है ये 180-190 रन करना इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। तो मैं तो शान मसूद का फॉर्म में आना बड़ी अच्छी बात है, और अगर इसी तरह वो बैटिंग करते रहे तो कोई वजह नहीं कि मुल्तान सुल्तान थर्ड से सेकंड या थर्ड पे, मकसद ये कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और असल तो मैच आज का पता चल जाएगा। अभी इसके ऊपर आगे चल के बात कर लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज का मैच बड़ा आम है, इसकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये जरा बैटिंग ऑप्शन के हवाले से बात हो रही है। मुनीर भाई ये फरमाइएगा कि कुछ ये भी बात हो रही है कि ज्यादा बैटिंग ऑप्शन तो हैं मुल्तान सुल्तान के पास, लेकिन बॉलर क्या कम है, क्या बॉलर्स इलियास की जगह कोई और ऑप्शन है आपके ख्याल में जिसको इस्तेमाल किया जा सकता था? ये भी अब एक बात हो रही है कि यहाँ पर बैटिंग तो पूरी नजर आ रही है, टिम डेविड के आने के बाद मजीद इसमें बेहतरी आ गई, शान मसूद का फॉर्म में आ जाना एक बड़ा अच्छा साइन है, रिजवान फॉर्म में ऑलरेडी है, दीगर बैट्समैन भी है, तो बॉलर्स के अंदर आपको समझते हैं कि एक आध बॉलर को और शामिल करना पड़ेगा, इसके बारे में चाहूंगा जरा कमेंट कर दें। नहीं नहीं, बॉलर की आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बॉलर में तो एक दो बॉलर उनके शॉर्ट नजर आ रहे हैं जो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं जो हमें मॉडर्न डे क्रिकेट या रन को बचाने के तौर पर हमें देखना होगा। बास अफरीदी यंग है लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एहसानुल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसामा मीर इनके पास अच्छा ऑप्शन है, खुशदिल शाह होते हैं जब टीम में, उनको मेरे ख्याल इतना यूटिलाइज नहीं किया जाता, और इलियास को कल खिलाया गया तो थोड़ा सा एक दो बॉलर्स तो जरूर इनके काम में, इसमें शक तो नहीं है। अच्छा, अभी शान मसूद के हवाले से आप लोग बात कर रहे थे, वकार साहब ने भी कहा बड़ा अच्छा कि वो फॉर्म बहाल हो गया, उसको कोई शक नहीं है। टेक्निकली देखें, हम सबको पता है कि बहुत परफेक्ट प्लेयर हैं, उसको कोई शक नहीं है, लेकिन और तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलने लगे हैं, T20 में भी इसको लिया गया है और T20 में भी इन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। लेकिन एक चीज जो हम आप हम मुझसे बात पूछते हैं ना अक्सर बाबर आजम के हवाले से कि स्ट्राइक रेट जी, तो स्ट्राइक रेट इनका भी मॉडर्न डे क्रिकेट वाला नहीं है। 50 गेंदों पर कल इन्होंने 75 रन बनाए अच्छी बैटिंग की, लेकिन जो हमें ओपनर से हमें चाहिए होता है ना एक ऑन स्लॉट भाई स्लॉगिंग, वो चीज हमें इनमें नहीं है। ये टेक्निकली परफेक्ट है, थोड़ा सा जिसे हम कह सकते हैं बाबर आजम टाइप के लेफ्ट हैंडेड है कि एडवांटेज है, लेकिन थोड़ा सा हमें देखना होगा अगर ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एज एन ओपनर या एज ए टॉप बैटर जगह बनाने चाहते हैं, फखर को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिजवान और बाबर को रिप्लेस तो अभी नहीं कर पाएंगे, या आप चौथे नंबर पर भी आना चाहते हैं तो इसके लिए इनको अभी अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना होगा। जैसे शाहिम अयूब को देख रहे हैं कि यंग होके बड़ी मतलब उस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं जो T20 की आजकल इनिंग्स दरकार होती हैं। मुल्तान के लिए फाइनली मैं यही कहूंगा कि मुल्तान को बहुत कुछ सोचना होगा, अगर कोई तब्दीली इनके पास अच्छी है को कर लें तो है, वरना बैटिंग में तो इनको एक प्रॉब्लम होता है और क्या हो रही है, डेविड मिलर इनके इन चल रहे हैं जी, वो बहुत ही बड़े बहुत ही बड़ा नाम है अगर शॉर्टर फॉर्मेट के। बिल्कुल सही, होल्ड कीजिए। बिल्कुल ठीक है, चलें जी एक ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। मैच
वंस अगेन एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कल जो खेला गया मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। बड़ी शानदार कारकर्दगी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल दिखाई है और सारे ही इस वक्त उनके प्लेयर्स जो हैं बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और ख़ासतौर पर डाउन ऑर्डर के अंदर और मिडल ऑर्डर के अंदर तो बड़े एक्सक्लूसिव खिलाड़ी उनके पास हैं और टॉप ऑर्डर पर भी यकीनन उनकी बैटिंग जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर भी जाता है तो नीचे बड़े भरपूर उनके पास प्लेयर्स हैं जिसके अंदर आज़म खान शामिल हैं, आसिफ अली हैं, उसके अलावा फहीम अशरफ आप इसमें सर फहरिस्त हैं, तो ये सारे खिलाड़ी उनके पास हैं जिसकी वजह से एक बड़ा अच्छा टोटल उन्होंने जो है वो बड़ी आसानी के साथ चेस किया। और मुल्तान की टीम वो टीम समझी जा रही थी जो इस टूर्नामेंट में इब्तदा में बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी और बड़ा अच्छा टीम कॉम्बिनेशन भी था। और स्टार्ट के जो मैचेज़ हैं उसमें हमें याद है कि ये शुरू के जो दो या तीन बैट्समैन हैं उससे ज़्यादा किसी की बारी नहीं आ रही थी, डेविड मिलर तक बैटिंग आती थी और उसके बाद वो मैच फिनिश कर देते थे, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो अक्सर मुख्तलिफ है। और हमारे जितने दो एक्सपर्ट स्टूडियोज़ में और टेलीफोन लाइन पे जो मौजूद हैं उन्होंने ये कहा कि अब मुल्तान को बैटिंग सोचने की ज़रूरत है कि क्या करना है, क्योंकि ये जो मोमेंटम था ये अब टूट चुका है और अब वो जो फतूहात का सिलसिला था वो रुक गया है और बैक टू बैक जो है वो मैचों में शिकस्त हो गई है। तो जनाब ये बात हुई। अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज बात हो जाए ज़रा क्वेटा और पेशावर के हवाले से। दोनों टीमें जो हैं वो पेशावर से अगर शुरू करें तो पिछला मैच बड़ा शानदार रहा और साइम यू की अभी बात हुई है तो बड़ा एक्सक्लूसिव खिलाड़ी है, सबकी नज़रें इस पर होती हैं और पेशावर जलमी में शायद अब हमें ये कहना पड़ेगा कि पहले कभी बाबर आजम के ऊपर लोगों की नज़र होती थी लेकिन अब साइम यूब के ऊपर लोगों की नज़रें। बकार भाई चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। लेकिन जहाँ तक साई मयूब की बात करी तो पिछले साल तक ये क्वेटा ग्लैडिएटर से खेलते थे जी। अच्छा आप पूरा नोट कर लें कि चेक कर लें जितने भी पिछली दफ़ा या क्वेटा ग्लैडिएटर से खेले और छोड़ कर गए तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई। आज़म खान हो गए, आज़म खान हो गए जी, तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ा। बहरहाल उन्होंने मेहनत करी और साई मयूब तो हमेशा से अंडर 16 से गुड प्लेयर था और इसने बड़ा इम्प्रूव किया और बड़ी खुशी हुई देख के जो उसके पास शॉट्स है T20 के, और मैं समझता हूँ कि इसको क्रिकेट आगे इसके लिए बहुत है। क्रिकेट अभी तो कम उम्र है लेकिन इसकी क्रिकेट आगे काफ़ी है, ठीक है, टैलेंट है उसके पास पूरा है। और दूसरा मैं आपको बताऊँ आज जो मैच है इसकी खास बात यह है जी कि अब एक ही एडवांटेज है कि क्वेटा दोनों मैच अच्छे एवरेज से जीते जी और पेशावर तीनों मैच अपने हारे हारे, तो फिर क्वेटा के चांसेस बन जाते हैं, वरना तो कोई मुश्किल नजर आता है कि कोई ज़ाहिर पेशावर की टीम के मैच अभी कराची से भी शायद बाकी है, किससे पता नहीं, लेकिन बहरहाल क्वेटा के लिए यह है कि अच्छे एवरेज से मैच जीते और सारे मैच जीते और दोनों मैच जीते और पेशावर तीनों मैच हारे, तीनों तो फिर एवरेज इनके बराबर हो जाएगा इनका। बिल्कुल ठीक है, तो ये जरूरी है कि बड़ी फतूहात की जो है जरूरत है और बड़ी देर से वो स्टार्ट हुआ, उम्मीद कम है ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। मुनीर भाई क्या उम्मीद आप रखते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, लोग मुंतजर थे कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस आए क्वेटा ग्लैडिएटर की जानिब से लेकिन ऐसा नहीं हो सका, लेकिन बड़ी देर से उन्होंने स्टार्ट किया, क्या अब भी उम्मीद है कि अगर वो प्लेऑफ तक पहुंच गए तो फिर वो जो है वो सिलसिला जो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था जीतने का वो दोबारा शुरू हो सकता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, फरमाइएगा। नहीं है यासिर, ये तवक्को रखना बिल्कुल बेकार है कि क्वेटा की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकेगी, क्योंकि आज देखें एक तो उनके कप्तान भी इंजर्ड हैं, आज वो नहीं खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज जो हैं वो क्वेटा के ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करेंगे और जितना उनका नेट रन रेट माइनस में है -1.3 या -1.7 उसको देखते हुए तो हमको ये कह देना चाहिए कि अब क्वेटा और कराची का PSL सीजन 8 अख्ताम को पहुंच चुका है, ठीक है, तो इस तरफ तो ना सोचें। हाँ ये है कि क्वेटा की टीम ने दो मैच जीते हैं, अब दो मैच उनके बाकी हैं, अगर जीत लेते हैं तो थोड़ा सा
बेहतर हो जाएगा उनके लिए। उमर नदीम साहब और मोइन खान उनके लिए थोड़ी सी चीजें रह जाएंगी, उनके कोच आजम खान के लिए कि चले कुछ अच्छी कारकर्दगी मिल गई है जाते जाते, लेकिन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना मुमकिनात में से नहीं है। ये नहीं हो सकता कि पिशावर तीनों मैच बड़े मार्जिन से हार जाए और आप दोनों मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाए। खाम ख्याली इसे हम कह सकते हैं, बहुत ही कोई मौजा होगा तो ऐसा होगा, वरना ये आप जहन में रख लें कि जो इस वक्त चार टॉप टीमें हैं ये क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ के लिए और नीचे जो बॉटम की दो टीमें हैं, खैर कराची तो ऑलरेडी आउट हो चुकी है और पिशावर भी चूंकि नेट सॉरी कोयटा भी चूंकि उनका नेट रन रेट बहुत कम है इसलिए उनको भी हम आउट ही समझेंगे, आउट ही समझेंगे। अब उम्मीद लगाने का जो है फायदा नहीं है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही थी, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, जो ये मैच जीते भी हैं उसमें भी कोई कन्विंसिंग उनको कोई विक्ट्री नहीं मिल सकी, फिर ये कि कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं बनता नजर आया, आगे भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं, और फिर अभी आखिर में कि जब आखिर में सिर्फ एक चीज़ ये थी कि सरफराज अहमद की कोई फॉर्म वापस आती तो शायद कुछ होता, कप्तान कुछ हमें नजर आते, वो भी इंजरी की वजह से बाहर हो गए। वकार भाई फरमाइएगा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि कोयटा की टीम में सबसे बड़ा जो मुझे फर्क नजर आया कि इनका बैटिंग ऑर्डर कोई सेट नहीं, समझ में नहीं आया, समझ में कि कभी सरफराज एकदम ऊपर आ जाते थे फिर नीचे चले जाते, कभी कोई बैट्समैन ऊपर, तो ये क्रिकेट के अंदर होना नहीं चाहिए, होना नहीं आपकी चाहिए। अच्छा, फिर सबसे बड़ी जो इनकी बदकिस्मती रही कि दुनिया के बेहतरीन ओपनर्स T20 के और 6 ओवर के जैसन रॉय और गुप्टिल दोनों ही इतफाक से नहीं चल पाए। गुप्टिल 2 मैचों में चले और वो दोनों मैच तकरीबन उन्होंने फिनिश किए। और कोयटा की खास बात बता दूं, जो मैच भी जो 2 मैच जीती है वो जीती भी कराची से ही है जी, बाकी तो सबसे हार रही है। और कोयटा की टीम से बड़ी उम्मीदें थी और बड़ी ख्वाहिश भी थी कि ये हमारी पसंदीदा टीमों में से थी, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्या हुआ, और मैं समझता हूँ कि इनकी टीम कंबाइंड हो ही नहीं पाई किसी वक्त भी, और इनका बैटिंग ऑर्डर भी कुछ इतना अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से इन्होंने एकदम पहले गुप्टिल को 1 डाउन भेजा, फिर दूसरे को भेजा, फिर शुरू के मैच में इन्होंने एक समीर जो प्लेयर आए थे पिछले साल, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी कोयटा से, उसको शुरू के 2-3 मैच नहीं खिलाए इन्होंने, तो वो भी मैं समझता हूँ इनके लिए औरता है। और बॉलिंग में भी कोई इनके पास कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही मुझे, क्योंकि सबसे अच्छे बॉलर नवाज होते थे जो नई बॉल पे 1-2 आउट भी कर देते थे, रन भी नहीं देते थे, वो कर ही नहीं पा रहे, बल्कि वो रन भी दे रहे और आउट भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो काफी ज्यादा प्रेशर, इसकी वजह मुझे यही लगती है कि इनकी ना बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन पाया ना बैटिंग कॉम्बिनेशन जिससे मैच जीत पाए। बिल्कुल ठीक है, ये वजह बनी है जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। अच्छा ये मुनीर भाई फरमाइएगा कि जो नौजवान फास्ट बॉलर थे इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और महसूस ये होता था कि शायद ये दोनों कुछ कमाल करेंगे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इस पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए। आप किस तरह देखते हैं, क्या समझते हैं, खासतौर पर बात कर रहा हूँ हसनैन और नसीम शाह की, क्या कहेंगे दोनों के लिए? पहले थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कोयटा की बैटिंग पे, आप लोग बात जी कर जी रहे जी थे। जी देखिए कोयटा के पास 3 बहुत ही हार्ड हिटिंग टॉप बैटर थे, एक मार्टिन गप्टिल, एक विल स्मिथ और एक जेसन रॉय। अब गप्टिल 2 मैचों में चले तो कोयटा की टीम जीत गई, विल स्मिथ अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए, जेसन रॉय को छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज के वनडे सीरीज खेलने चले गए थे बांग्लादेश फॉर इंग्लैंड, आज सुना है कि वापस आ गए थे, वो कल उनको वापस आना था, अगर आज शामिल होते हैं टीम में तो ये कोयटा के लिए एक अच्छी चीज होगी। फिर दूसरी बात ये कि उनके नवाज का एक ही मैच में हमने फॉर्म देखा जिसमें उन्होंने बैटिंग की, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म टच चल रहे थे, और इफ्तिखार अहमद जी जिनको हम समझ रहे थे जब वो 6 छक्के लगाए थे वहाब रियाज को, तो हम तो सब उनका मुंतजर थे कि ये इस दफा डिफरेंट रूप में नजर आएंगे, वो मुस्तकिल फेलियर सिंगल फिगर में आउट हो रहे हैं, उनसे रन नहीं बन रहे हैं, हिट भी नहीं लगे उनसे कोई, हाँ उनसे तो ये सारी जो चीजें हैं अगर बैटिंग के हवाले से देखें तो सरफराज से भी इतनी बैटिंग नहीं हो पा रही है, जाहिर है जो T20 के रिक्वायरमेंट है उनका वो मिजाज नहीं है, तो एक तरफ तो ये हो गया। दूसरी तरफ हमें इनकी बॉलिंग में 2 बड़े अच्छे मीडियम प्रेशर डोर थे, आपने खुद बताया नसीम शाह और हसनैन, अब हसनैन की कुछ इंजरी हो गई है, वो भी नहीं खेले थे पिछले मैचेस में, अब आज खेलते हैं या नहीं ये भी नहीं पता हमें, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं वकार भाई कि जेल होके खेल ही नहीं सके, बल्कि जेल क्या होके नहीं खेल सके, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं मिली, दो मैचेस में गप्टिल चले तो टीम जीत गई, जहां गप्टिल नहीं चले वो सारे वो मैचेस हार गए। बिल्कुल, अब आके 9 में से 7 मैच का हार जाना, आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितना 8 में से 7 मैच का हार जाना या 9 में से 7 मैच कितना मुश्किल, कितना डिसअपॉइंटिंग होता है एक टीम के जी, लिए जी। तो वो जहनी तौर से तैयार है कोयटा, और कोयटा को कोई अब जाहिर है
क्वेटा के लिए अब बचा तो कुछ नहीं है, मौजे के लिए अगर वो जाए या बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल दे तो बात दूसरी है, लेकिन जीत के लिए बहरहाल उनको जाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे कुछ भी हो जीत के लिए जाना चाहिए। अब नवाज के देखते हैं कि उनकी कैप्टनसी में आज क्वेटा की टीम कैसा खेलती है, क्योंकि उनको भी पहली दफा मौका मिल रहा है। और ये अफसोसनाक चीज जो सबसे हुई है, जब से शुरू हुआ है पीएसएल, सरफराज हर मैच में क्वेटा के लिए खेले हैं एज ए कैप्टन, और पहली मरतबा ये हो रहा है लगातार इतने सालों के बाद कि वो क्वेटा के लिए किसी मैच में ये पीएसएल में अवेलेबल नहीं होंगे, तो एक बड़ा रिकॉर्ड भी है जो आज ब्रेक हो गया है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और मेरा सवाल भी अगला यही था कि जिसकी निशानदेही अभी मनीर भाई ने की है कि कप्तानी, व्हाट इफ कि अगर कप्तानी अच्छी कर गए तो कप्तानी पे तो सवालात उठ रहे हैं, तो क्या कि पाकिस्तान की ये रिवायत रही है ये टीम में कि कोई भी कप्तान जिसकी जगह दूसरा खिलाड़ी को मौका दिया गया अगर उसने कोई कारनामा कर दिया तो फिर आगे बड़ी तब्दीली जो है वो हो सकती है, क्या ये जहन में होगा? क्योंकि काफी प्रेशर में दोनों खिलाड़ी, मुझे तो महसूस ही हो रहा है कि शायद नवाज पे भी किसी किस्म का प्रेशर है, क्योंकि अहमद वसीम जिस तरह फॉर्म में आए या सोशल मीडिया पे अगर वो तबसरे देख रहे हैं, क्योंकि आजकल तो वहां ज्यादा ध्यान है लड़कों का, तो उस पर तो यही बातें हो रही है कि उसकी उनकी जगह जो है वो अहमद वसीम जो है वो जगह बना रहे हैं और शायद वो कामयाब भी हो जाए। जी देखिए जी, अहमद वसीम नो डाउट वो हमेशा से ही परफॉर्मर रहे हैं, और अगर आपको याद हो कि उन्होंने वर्ल्ड कप का ही मैच था जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच जितवा दिया था शायद, जी जी, तो वो एज ए ऑलराउंडर परफॉर्म तो करते हैं। अब अगर आप नवाज की और हिम्मत की बात करें तो दोनों बॉलर तो लेफ्ट आर्म है, लेकिन दोनों की वैरायटीज में बड़ा फर्क है। जी जी, एक पूरा नवाज जो है मैच जो समझता हूँ, बाकी हो सकता है गलत भी हो, कि नवाज इज कंप्लीट बॉलर, उसके पास एक ब्रेक भी है आर्म बॉल भी करता है। इमाद एक ही तरह की बॉल करते हैं, और आपने देखा होगा ज्यादातर इफेक्टिव वो नई बॉल पे रहते हैं, कि नई बॉल पे सर्किल में वो एक दो आउट भी कर देते हैं, और वो एक मैच चाहिए होता है पाकिस्तान के लिए, और हमेशा उन्होंने किया है। तो वो अगर इमाद वसीम टीम में आते हैं तो कोई वजह नहीं, नवाज भी रह सकते हैं टीम में, लेकिन दोनों का फर्क अगर करें तो दोनों की वैरायटी अलग है। बॉलर दोनों लेफ्ट आर्म है, और इमाद को मैं कहूँ कि वो अच्छे हैं तो है, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, और परफॉर्मेंस उनके बता दिया है कि बैटिंग के अंदर, बल्कि कराची से अगर रन किए तो उन्होंने ही किए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो वेरी अकेले खिलाड़ी रहे जिन्होंने अकेले खिलाड़ी रहे और कोशिश पूरी करते रहे, लेकिन फिनिश नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है, इसमें किस्मत का भी कहीं ना कहीं अमल दखल जरूर होगा जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हुए। बाज जगहों पर लगा ऐसा महसूस ये हुआ कि शायद वो मैच जितवाने में कराची को कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये साल कराची के लिए पिछले साल की तरह कुछ ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ, और शायद मैनेजमेंट के ऊपर भी अब सवालात उठ रहे हैं, तो उनको बैठ के जो वो सोचना पड़ेगा। क्या वाकईतन ऐसा है मुनीर भाई, फरमाइएगा कि दोनों टीमों की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आजकल, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी खुलकर क्रिटिसिज्म हो रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो तनकीद का इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है वो साबिक कप्तान वसीम अकरम साहब हैं। जी देखिए, जब आप किसी टीम के प्रेसिडेंट होंगे, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, और इतनी खराब परफॉर्मेंस रहेगी तो तनकीद तो बनती है ना, चाहे तनकीद तो बनती है, चाहे आप दो रन से हारे, तीन रन से हारे, छह रन से हारे, पॉइंट्स आपने लूज कर दिए जिसकी वजह से आप बाहर हो गए, तो तनकीद तो अगर हो रही है तो वो तो गलत नहीं हो रही। और सोशल मीडिया का दौर आपको पता है, आप रोक नहीं सकते, जो भी चीज होती है फौरन सामने आ जाती है। अहमद वसीम और मोहम्मद नवाज का अभी कंपैरिजन हो रहा था, जी जी, तो ये बात तो बिल्कुल सही कही कि वैरायटी ज्यादा है उनके पास, लेकिन अगर हम T20 की बात करें ना, तो T20 में हमें ऑलराउंडर की ज्यादा जरूरत होती है, और जिस तरह नई गेंद से शुरू के दो ओवर में वो रन भी बचा लेते हैं और एक आध आउट भी कर देते हैं अहमद, और अहमद की बैटिंग फॉर्म इस वक्त नवाज से कहीं ज्यादा अच्छी है, 250 के करीब उनके रन हैं। कराची से अगर कोई किसी ने बैटिंग की है तो अहमद ने ही बैटिंग की, और इतने प्रेशर में बैटिंग की है कि जहां हारा हुआ मैच को भी वो जितवाने की पोजीशन में ले आए थे। तो मैं तो ये कहूंगा कि नवाज ने रिप्लेस किया अहमद को, और अब अहमद दोबारा नवाज को रिप्लेस करने जा रहे हैं। अगर हम T20 इंटरनेशनल की बात करें, आज ही आपने पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान से 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज हो रही है, जो 25, 27 और 29 मार्च को शारजा में मैचेस होंगे, वहां मौका देने चाहिए। फिर जब अगले महीने न्यूजीलैंड की टीम आएगी, 5 वनडे 5 T20, वहां मौका देना चाहिए। तो कई खिलाड़ी इस पीएसएल से मुझे नजर आए हैं कि जिनको मौका मिलना चाहिए, इमाद को जरूर मौका मिलना चाहिए नवाज की जगह, साई मयूब को जरूर टीम में स्क्वाड में होना चाहिए, एहसानुल्लाह को जरूर स्क्वाड में होना चाहिए,
सैयद ताहिर का भी मैं देख रहा था पहले मैच जो बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन उसके बाद उनके थोड़े से मैच हल्के गए, लेकिन जो खुशी की बात है कि कुछ अच्छा यंग ब्लड आपको मिला है जो आपको आगे फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। और T20 पाकिस्तान की T20 टीम वैसे ही अच्छी टीम है, अच्छी टीमों में शुमार होता है, तो अगर इस तरह के कुछ हमें और पोटेंशियल मिल जाते हैं, टैलेंट मिल जाता है, तो फिर और पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये तमाम खिलाड़ी तो वो हैं जो इस PSL 8 में जिनकी कारकर्दगी काबिल जिक्र रही है। लेकिन अब ये वक्त कम है, लेकिन अब सवाल जो मैं करने लगा हूँ वो ऐसा है, शायद इसके ऊपर एक प्रोग्राम और जो है वो हो सकता है, बल्कि कई प्रोग्राम हो सकते हैं, वो कि क़यादत का एक फुकदान नज़र आ रहा है, और क़यादत के हवाले से जो कप्तान खुद हैं वो T20 क्रिकेट के अंदर अब जिस तरफ देखिए उन पर तनकीद हो रही है, ख़ासतौर पर उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से, उनकी डिफेंसिव अप्रोच के हवाले से। चलें स्लो बैटिंग एक अलग मसला है, लेकिन वो जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आ रही है, और ये बात अब साबित हो गई है कि जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलना जानता है वही आगे चल के फिर कामयाब होता है। तो इसके बारे में वकार भाई क्या कहेंगे, फरमाइए। मतलब जी आप मेरे ख्याल बाबर आजम के बारे में यकीन उन्हीं के बारे में बात। देखिए यार, हमने तो हमेशा से देखा कि वो अगर उनकी जब से वो कप्तान आए तो कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जिक्र नहीं है कि एक टीम, हम जब भी कोई, अब जैसे लास्ट फाइनल हम T20 खेले तो ये एक हमारी गुड लक समझ लें हो गई कि एज ए चैंपियन टीम हम कभी भी नहीं खेले। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जगह एक होता है ना, इंग्लैंड की टीम है, वो एक मैच बड़ा बारिश की वजह से हार गई, लेकिन उसके बाद जो उसने वो रुकने का नाम ही लिया, तो ऐसे चैंपियन टीम खेली, सबको नजर आ रहा था कि इंग्लैंड जो है वो, या लोग इंडिया की बात कर रहे थे जी। लेकिन पाकिस्तान ने कभी, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि लोग शायद इस बात का सॉरी माइंड ना करें कि 92 का जो वर्ल्ड कप जीते वो हम एज ए चैंपियन टीम नहीं जीते। जी जी बिल्कुल सही, वो हमारे अल्लाह की ताला की तरफ से कुछ रहमत आ गई, कुछ और उसने उसको हरा दिया, तो उसने हरा दिया तो वो हम जीत गए, तो फिर हम फाइनल पहुंच गया, फिर जीत गए। बहरहाल जीतना एक जीत होती है, वो एक इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत देनी थी दी, और वो और तमाम प्लेयरों को वो जीत गए, लेकिन मजा वो आता है चैंपियन टीम की तरह जाए, चैंपियन यानी कि आप पहला मैच खेलो दुनिया के मुंह पे ये टीम तो उड़ा के अनबीटेबल है, जैसे हम लोग यही रहते हैं कि यार पता नहीं ये जीतेगा तो क्या होगा, वो जीतेगा तो क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए। हमारी टीम जो है वो पर थ्रू आउट जानी चाहिए, हमारी समझ जो भी टीम, जैसे देखें जो भी लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी, वो जो जीतना शुरू किया तो फाइनल तक जीतती चले गए, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने रोका, मुड़ के नहीं देखा, और यही इसी तरह की परफॉर्मेंस हम उम्मीद करते हैं। मुनीर भाई आखिरी जुमला इसके ऊपर मैं चाहूंगा, जरा कह दीजिए, जैसे अभी ये गुफ्तगू हो रही है क़यादत के हवाले से, खिलाड़ियों के तो आपने नाम ले लिए, क्या क़यादत के बारे में भी आप कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आप दिफा करते आए हैं बाबर आजम का, और यकीनन करना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जितना बड़ा उनका नाम है, लेकिन T20 क्रिकेट जो है वो कुछ अब नए रंग दिखा रही है जी। कुछ तब्दीलियों की बातें तो देखो, जब से नजम सेठी साहब आए हैं कुछ तब्दीली की बातें चल रही है, जैसे वनडे स्क्वाड में शान मसूद का इन होना कि शान मसूद में कैप्टेंसी की सलाहियतें हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, वो बैटिंग अच्छी नहीं कर सके तो मामला रुक गया। शादाब एक अच्छे T20 स्कीपर के तौर पर नजर आ रहे हैं, रिजवान में भी सलाहियतें हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या हम बाबर आजम को हटा दें, कहीं ऐसा ना हो कि कल बाबर आजम को हटा के हम ये कहें कि नहीं यार बाबर आजम ही बेहतर थे, ये इतनी पोजीशन तो नहीं थी। तो बड़ा सीरियस एक सोचने वाला सवाल है, हटाना है तो उनको एतमाद में लेके आप उनको किसी एक फॉर्मेट से हटा दें, चाहे वनडे से हटा दें या T20 से हटा दें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, भारत के विराट कोहली की तरह ना करें कि वो उन्होंने अगर T20 छोड़ी तो आपने उनको बगैर बताए वनडे से बैठा दिया, फिर उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी, अब रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, इंडिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा फैसला सही था या नहीं था, तो ये चीज जरा सा समझ के सोच के अगर ये करेंगे तो इनके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर साबित होगा, ये सोच समझ कर फैसला किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब बात है क्योंकि आपके पास पहले एक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ आखिरी बात एक कह दूं, फिलहाल अभी मैं नहीं समझता कि बाबर आजम को हटाया जाए, अभी कंटिन्यू करने दें, कंटिन्यू करें, फिर देखें आगे, देखते हैं चले आगे जाके क्या होगा। वेल बहुत शुक्रिया जी, मुनीर अल हक साहब आपका भी, वकार हुसैन साहब आपका भी, दोनों मौजूद मेहमानों का, कि वो यहाँ पर हमारे साथ इस आज के प्रोग्राम का हिस्सा बने। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, मैच का जैसे आगाज होगा आज का मैच भी क्वेटा और पेशावर के दरमियान देखेंगे, और कल इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में, और साथ साथ आपके जो पैगाम मिल रहे हैं प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाते जाएंगे। इजाजत लेनी होगी मोहम्मद यासर को, हमारी टीम को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़। Yeah.
साउंड चेक, 1 2 3 साउंड चेक। तहरीके